जयपुर नगर निगम ग्रेटर में महापौर सौम्या गुर्जर और उप महापौर पुनीत कर्णावत ने गौकास्ट को लेकर अलग अलग प्रेस वार्ता की। इस दौरान होली के अवसर पर गौकास्ट से होलिका दहन करने के लिए महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने गौकास्ट अपनाने और पर्यावरण बचाने का पोस्टर विमोचन किया। महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हम सभी को आगे आना चाहिए। हिंगोनिया गौशाला में 400 क्विंटल गौकास्ट तैयार किया गया है, ऐसे में निगम और गौशाला से निःशुल्क गौकास्ट प्राप्त कर सकते हैं। वहीं उप महापौर पुनीत कर्णावत ने कहा कि वर्ष 2016 से गौकास्ट का प्रयोग किया जा रहा है और 3000 होलिका दहन की व्यवस्था भी की गई है। तो हिंगोनिया उप निवास केंद्र का प्रयास है कि हम लोग जो है पेड़ों को बचाएं, पर्यावरण का संरक्षण करें, इसके लिए हम लोग होली का दहन गौकास्ट से करें और इससे हमें अच्छा गो सेवा को भी बढ़ावा मिलेगा, गौशालाएं भी संबल होगी और साथ में हमारे पर्यावरण की भी रक्षा होगी। अच्छा, कितना टन इस बार गौकास्ट आपकी तरफ से निर्मित किया गया? अभी हम लोगों ने पिछले 2 महीने के अंदर वहाँ पर जो है 400 टन गौकास्ट का हम लोगों ने निर्माण करा है। गौकास्ट का उपयोग तो 5-6 साल पहले, जैसे आपको बताया, 2016-2017 से प्रारंभ हुआ और गौकास्ट के लिए हमने 2-3 साल पहले जो प्रयास प्रारंभ किए तो उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स जयपुर के सुधी नागरिकों ने हमको दिया। उन्होंने इसकी उपयोगिता को समझा, पर्यावरण एनवायरनमेंट की रक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है उसको समझा, उसके साथ साथ किस प्रकार से गौ माता का संवर्धन इससे हो सकता है उसको समझा और उसका परिणाम आप सबके सामने है। सभी गौशाला में अब गौकास्ट बन रही है, पिंजरपुर गौशाला, बगरू रामदेव गौशाला, सभी जगह बन रही है। अब जैसे सिटी के अंदर राजा पार्क में आर्या समाज बंदर है, वहाँ पे हम लोग 40-50 गाड़ियाँ गौकास्ट में बोलते हैं, जैसे हमने लोहड़ी पे मंगवाई थी, तो 2100 रुपये शुल्क रखा है जो सामूहिक लोग इसका होली का दहन का कार्यक्रम करेंगे और छोटे पैकेट 50 रुपये का। मान लो 2-4 लोग घरों के बाहर इकट्ठे हो गए तो उनके लिए 50 रुपये का पैकेट, जब वो जाके अपने घर पे भी होली दहन का कार्यक्रम कर सकते हैं। हम सभी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और हमारी सभ्यता और संस्कृति भी कहती है कि हमें हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें आगे आना चाहिए और लगातार 2 सालों से प्रयास किया जा रहा है कि दीपावली के ऊपर गोमय दीपक बनाए जाते हैं, होली के ऊपर गोमय गुलाल के साथ में शुरुआत की जाती है। पिछले वर्ष भी हमने सभी वार्डों के अंदर गोकास्ट हर वार्ड के अंदर भेजी गई और जहाँ जहाँ जिनको जरूरत थी वहाँ गोकास्ट के माध्यम से होलिका दहन की शुरुआत की गई, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं जयपुर शहर, हमारा पर्यावरण हम सबके लिए विशेष महत्व रखता है। इसके तहत हमें पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्ष ना कटे, लकड़ियों को, पेड़ों को हम कैसे बचाएं, इसके लिए गोकास्ट से, और इससे गोकास्ट से पर्यावरण के लिए भी शुद्धि होगी।